हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एट्थ स्टैंडर्ड साइंस में हम आज अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल। सबसे पहले आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट, लेसन नंबर 14। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घर में जो होता है, जैसे आप स्विच ऑफ ऑन करते हो तो उसके हिसाब से आपका जो ट्यूब लाइट्स होता है या आपका बल्ब होता है, फैन होता है, वो चलने लगता है, बंद हो जाता है आपके स्विच ऑन ऑफ करने की वजह से। एक्चुअल में वहां पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है पहले हम वो समझ लेते हैं। इसके लिए आप एक, जैसे मान लीजिए पहले मैं एक सिंपल सर्किट बता दूं, पहले सिंपल सर्किट होता क्या है। सिंपल सर्किट यूज होता है जब कभी भी आप कंडक्टिंग वायर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको बल्ब जलाना है, ठीक है, इस बल्ब को जलाने के लिए आप क्या करोगे, इसकी जो ये दो दो पॉइंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसे इसको आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे और उसके साथ में जो है यहाँ पर पावर के साथ में जो है वो अटैच कर दोगे। ठीक है, बीच में आपको अगर स्विच लगाना है तो स्विच लगा सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया क्लोज। ठीक, ओके ना। अब पहले से समझ लीजिए डायग्राम को। मैंने क्या किया है, मैंने ये बल्ब जो है वो जलता हुआ दिखाया है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो है वो सेल लगा हुआ है। इस सेल के टर्मिनल से जो है कनेक्टिंग वायर के थ्रू जो है बल्ब को जोड़ दिया गया है और उसको कंट्रोल करने के लिए एक मैंने स्विच लगा दिया है, वो ऑन ऑफ हो सकता है। यहाँ पर वो अभी जो है वो ऑन की पोजिशन में है, यानी कि इसमें से करेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो ये है सिंपल सर्किट। जैसे आपके घर में भी इसी तरीके के जो सर्किट होते हैं अलग अलग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए वो तो सीक्वेंस अलग अलग तरीके से होता है, जैसे पैरेलल और क्या नाम है सीरीज में अटैच किए जाते हैं। आपके जो घर में जो यूज किए जाते हैं वो पैरेलल सीरीज यूज किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक आपको सिंपल सर्किट बताया है। ठीक है, और अब पहले ये समझ लीजिए कि ये कंडक्टिंग वायर होते क्या है। ये कंडक्टिंग वायर एक्चुअल में कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मीन्स होता है जिनमें से होकर के इलेक्ट्रॉन इजी वे में पास हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको साइंस की भाषा में कहूँ कि मेटल्स होते हैं उनमें क्वालिटी होती है कि उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और ये सिर्फ मेटल में ही पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए हम मेटल को जो होता है क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर मीन्स होता है जिसमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है। ठीक है, तो पहले ये टॉपिक जो होता है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है तो पहले तो आप उन मटेरियल को ध्यान रखिए कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तो उसके आधार पर ये दो तरीके के होते हैं मटेरियल। पहला आता है कंडक्टर और दूसरा आता है इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स होता है मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं, जैसे एफ है, कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, आप गोल्ड सिल्वर जो भी चाहे, ये सारे जो मटेरियल हैं ये मेटल्स होते हैं, वो सब जो होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से पास हो सकती है। उसका रीजन ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ओके, अब अगर इंसुलेटर से कहेंगे, इंसुलेटर चीज होता है जिसमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल रबर है, वुड है, पेपर है, ये इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा नहीं होते जितने भी मेटल्स के अंदर होते हैं, जिस वजह से क्या होता है ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो इनमें से हम कह सकते हैं कि ये जो है पुअर कंडक्टर या एक पर्टिकुलर वर्ड जो है इंसुलेटर हम जो है वो यूज करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पेपर है, रबर है, वुड, ये सब जो होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं प्लास्टिक, ये सब जो होते हैं वो इंसुलेटर हो जाते हैं। इनमें से होकर के पास नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिनमें से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसके बारे में हम जो होते हैं वो जानेंगे। आप इससे पहले आप जो होते हैं वो करने एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि
दो कनेक्टिंग वायर यानी कि कॉपर के जो है वो वायर ले लीजिएगा, इन वायर को एक बल्ब की हेल्प से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर बीच में स्विच लगाना चाहो तो स्विच भी लगा सकते हो, लेकिन अब आप चाहो तो सेल लगा सकते हो, आप चाहो तो बैटरी भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो रही हो वो लगा देना, ठीक है। अब इसका एक जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट में इस साइड में आपने पहले एक जो सर्किट बनाया उसमें आपने कॉपर का ही जो है वो रख लिया, तार लगा दिया, जबकि सेम टू सेम ऐसा ही एक दूसरा आपने सर्किट बनाया उसमें एक माचिस की तीली रख दी, ठीक है। माचिस की तीली जब यहाँ पर लगाई तो आपने देखा कि किसमें बल्ब जलेगा और किसमें बल्ब नहीं जलेगा, ये एक्चुअली आप खुद चाहिए तो घर पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप माचिस की तीली बीच में लगा देंगे यहाँ पर तो फिर ये नहीं जलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपने कॉपर का वायर लगाया हुआ है तो ये आराम से बल्ब होता है, जब आप स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो वो जल बुझ करेगा, ठीक है। अगर जलता हुआ होगा तो आप लाइट भी दिखाइएगा, अगर जलता हुआ नहीं है तो आप ऐसे इसी तरीके से शो कीजिएगा, ओके। बात समझ में आ गया, ओके। नाउ अब मान लीजिए माचिस की तीली को हटा करके मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा दिया, तब तो देखिए सेफ्टी पिन जो होता है वो भी आयरन का ही बना हुआ होता है और वो भी जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपका बल्ब जो है वो चलने लगेगा। इस तरीके से आप इस तरीके छोटी छोटी सी जो एक्टिविटीज हैं वो आप अपने घर में कर सकते हैं, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो क्या इफेक्ट देगी आपको, क्यों मतलब कौन कौन से प्रभाव देंगे। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके तीन मेन जो होते हैं प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं, कि आपने देखा होगा कि तार जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, या आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो थोड़ी टाइम के बाद में गर्म सा फील होने लगता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जिसमें से होकर के करंट दौड़ रहा है उसके चारों तरफ जो होता है हीट प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा जो होता है आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक कंपास, अगर आप कहीं पर कोई भी सर्किट लगा हुआ है और उसके पास में मैग्नेटिक कंपास लेकर के जाइएगा तो वो उसकी निडल्स जो होती है वो फ्रिक्शन भी होता है या वाइब्रेशन भी होता है वो शो करने लगेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा कई चीजें होती हैं जैसे केमिकल्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है करंट या करंट भी कहीं पास करते हैं तो कम बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन भी जो होते हैं प्रोसीड किए जाते हैं, और जिसकी वजह जो हमें कई कई जगह पे हम अपनी मर्जी से भी करते हैं और कई कई जगह पे सडनली अपने आप भी हो जाते हैं। तो ये है हमारे इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मेन जो है वो इफेक्ट, ओके। अगर मान लीजिए एक मैं एक्टिविटी और बताती हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे मान लीजिए लाइट आपके यहाँ चल रहा है और आप स्विच जो होते हैं बहुत दिन में जो होता है कई दफे जो होते हैं ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। खासतौर पर समर सीजन में सबसे ज्यादा ऐसा होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जल रही होती है तो फैन नहीं चल रहा होता है और फैन चल रहा होता है तो फिर लाइट नहीं जल रही होती है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तुरंत ही तुरंत आप क्या करोगे, आप तो तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे और कहोगे कि भैया चेक करके आए, तो वो क्या करता है वो एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आता है, एक छोटा सा जो होता है पेचकस जैसा होता है और उसको हम बोलते हैं टेस्टर, ठीक है। टेस्टर में एक्चुअल में सिंपल अंदर साइड में आप देखोगे ट्रांसपेरेंट जो होता है एक सर्किट बना हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा जो होता है वो बल्ब लगा हुआ है, इस तरीके से टेस्टर होता है। अगर मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर शुरू जैसे यहाँ पर ये इसका जो है वो पकड़ने का होल्डर है, यहाँ पर इसका इस तरीके से ये लगा होता है और ये शार्प होगा, ठीक है। अंदर साइड में यहाँ पर से ये दो वायर अंदर लगे हुए, ये कनेक्टिव होगा, यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा होगा और ये, ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्टर। आपने देखा होगा मैक्सिमम यहाँ पर जो होता है ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो प्लास्टिक जो होती है वो यूज किया जाती है हैंडल के तौर पे। अब कौन सा खासतौर पर देखिएगा रेड कलर का जो वायर होता है वो लाइट मतलब उसमें करंट लगा होता है, हमारे घर में जो हमारे वाली लाइट होती है उसी में हम हमारा जो जो भी इलेक्ट्रिशियन आएगा वो क्या करेगा वो पहले दोनों तारों को छू करके देखेगा कि इसमें से जो होते हैं वो करंट किसमें से आए, जिसमें से करंट आ रहा होगा तो वो पता लगेगा अपने टेस्टर को उससे छू करके पता कर लेगा कि यहाँ से बल्ब की इलेक्ट्रिसिटी पहले ऊपर जाएगी फिर बल्ब जलेगा, बल्ब से होते हुए फिर वापस इधर से और अगर ये बल्ब नहीं जलेगा
तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपके कहीं पर कुछ फॉल्ट आ गया है या कहीं पर जो है वो आपका सर्किट टूट गया है जिसकी वजह से आपका फैन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये खासतौर पर जो है इसकी वजह से पहले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग दीपावली के टाइम पर सीरीज लगाते हैं, तो सीरीज में क्या होता है बहुत सारे बल्ब जो होते हैं वन बाई वन अटैच किए जाते हैं, सीरीज लगभग इस तरीके से यूज की जाती है, जैसे यहाँ पर है यहाँ पे बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पे बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है डेट इज कॉल्ड द ऑफ डिपार्टमेंट के बॉर्डर होते हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से होते हैं, जोड़ते जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं बल्ब लगा देते हैं। अगर किसी भी बल्ब में एक बल्ब में भी अगर अंदर का फिलामेंट टूट गया या मान लीजिए कोई सर्किट में से वायर होता है वो ब्रेक हो गया, तो ये पूरी की पूरी आपकी जो सीरीज है वो खराब हो जाएगी, बिल्कुल भी चलेगी नहीं। ठीक है, और पहले में क्या होता है पहले में मतलब ये पहले इसको यहाँ पर लगा दिया, फिर उसके बाद में हमने सोचा इसका दूसरा जो है साइड में दूसरे से ये पैर कर होता है। इसमें अगर कोई एक बल्ब अगर फ्यूज है तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि दूसरा बल्ब जो है वो नहीं चलेगा, मान लीजिए इसका ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये बल्ब नहीं चलेगा बाकी के दोनों चलेंगे। ठीक है, तो ये जिसे कहते हैं पैर करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये पता चल गया होगा सिंपल सर्किट क्या होता है, टेस्ट का क्या होता है, मेन जो है सीरीज क्या होती है और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, प्लस इसके अलावा जो है अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी है किसी भी सर्किट में से होकर के जा रही है तो उसमें कौन कौन से इफेक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे, हीटिंग इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और केमिकल इफेक्ट होगा। ओके, नाउ अब डिटेल में और चले जाते हैं कि अगर मैं कहूंगी कि टेस्टर और कितने तरीके के हो सकते हैं, तो टेस्टर आपके सिलेबस में तीन तरीके के टेस्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन है। पहला आता है जो टॉर्च बल्ब टेस्टर, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ अगर यदि कोई भी चीज खराब हो जाती है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, तो आप अपने इलेक्ट्रिशियन को जो बुलाते हो वो घर में एक पेचकस जैसा स्क्रू ड्राइवर जैसा एक टेस्टर लेके आता है, उससे चेक करके बताता है कि आपका जो है कौन सा वायर कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है या कहाँ पर ब्रेक हो रहा है या क्यों नहीं चल रहा है या कहाँ तक आपका लाइट जो है करेंट आ रहा है। ठीक है, और दूसरा आता है एक एलईडी टेस्टर आता है, एलईडी टेस्टर में बल्ब होता है उसको लगा के देख लेते हैं, अगर वो जल जाता है उसको दो एक बल्ब होता है, बल्ब का जो होता है दो कनेक्टिंग वायर होते हैं, जिस भी सर्किट में आपको पता चले कहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है उसको जगह जगह पे लगा लगा के देखते हैं, अगर वो जल जाता है जो होता है हो रही है जहाँ पे वो एलईडी टेस्टर नहीं चलता है तो वहां पर एलईडी कहीं पर सर्किट जो होता है ब्रेक हो रहा है। इसके अलावा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर मीन्स अभी मैंने बताया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मैग्नेटिक करेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वहां पर आप अपना कंपास लेकर के जाइए तो उसमें प्रेजेंट नीडल्स होती है वो आपका क्या है डिफ्लेक्शन शो करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। है कि नहीं, और तुरंत हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तक आपका जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास। आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपका सर्किट है उसके पास में लेके आइएगा कहाँ कहाँ पे आपका जो होता है कंपास के साथ में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, जहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है लेकिन उसमें से करेंट जो होता है वो पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज जो होता है वो आप लोगों ने कौन कौन सी मेन चीजें पढ़ी है, तो सबसे पहले हमने आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खासतौर पर देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसे रहता है और किसमें रहता है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, करंट मीन्स होता है एक तरीके से फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकते हैं वो आपके कंडक्टर में पॉसिबल हो सकते हैं। कंडक्टर कौन से होते हैं, कंडक्टर हमारे मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरे कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, वो बहुत इंसुलेटर होते हैं। ओके, अगर हम अपने सर्किट में से होकर के पहले तो देखिएगा सिंपल सर्किट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया, फिर पे आपको मैंने एक्टिवली करने के लिए भी बोला है। एक बार ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको कोई बड़ा ना आपके साथ ना हो या आपको पूरी जानकारी ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ में छेड़खानी मत कीजिएगा घर में। ये छोटे छोटे से जो होते हैं वो जीरो बहुत ही माइन्यूट जो है एलईडी जो होते हैं मिलती है 10 रुपए की, आप चाहे तो और उसके बाद में एक बैटरी या सेल वगैरह भी होते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में छेड़खानी मत कीजिए। टेस्टर में तीन तरीके के टेस्टर्स को यूज करते हैं, एक आता है टॉर्च बल्ब टेस्टर, दूसरा आता है एलईडी टेस्टर और तीसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक